प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है जो सोशल मीडिया से दूर हो गया। अब मैंने फेसबुक अब 2 महीना पहले इंस्टॉल किया, फेसबुक मैं नहीं कहता था। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आप रखिए, जैसे व्हाट्सएप थोड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आते रहता है या टेलीग्राम, उसमें भी सिलेक्टेड ही रहिए। और कोशिश कीजिए कि मोबाइल के बिना आप कितना देर रह सकते हैं, ठीक है, ये कोशिश कीजिए। मोबाइल रख दीजिए, उसके बिना आप मोबाइल छोड़ के आप कितना देर पढ़ सकते हैं, कितना देर आप 2 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं कि नहीं, ऐसा हैबिट डालिए बुक से, मतलब बिना मोबाइल से। बहुत लोग का आदत रहता है, जैसे मेरा भी आदत था, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके छोड़ाइए उसको। जिस दिन आप इससे थोड़ा दूर होने लगेगा, क्योंकि एक बार हाथ में फेसबुक खुल गया तो वो जब तक अंतिम स्लाइड नहीं आ गया वो चलते ही रहता है, ठीक है। यूट्यूब खुल गया वो शॉर्ट्स चलते ही रहता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिए। जब मोबाइल से ये सबसे बड़ा परीक्षा जानते क्या है नौकरी में, यही आपका सबसे बड़ा परीक्षा मोबाइल से दूर। इससे दूर हो जाइए तो ये सबसे नज़दीक हो जाइए, ठीक है। और धीरे धीरे इसको भरते रहिए, एक चैप्टर दो चैप्टर करके। जिस दिन पूरा घड़ा भरा लाइन लग जाएगा, जो एग्ज़ाम दीजिए ऐसा ही निकल रहा है, ये बात आप आज मान लीजिए। आप देखिए देखिए इसमें कितने लोग अभी पढ़ रहे हैं सेमेस्टर में, 4-5 आप लोग पास आउट हो गए हैं तो जान ही रहे। देखिए पहले मैं बताता हूँ सेमेस्टर से, फिर उसके बाद पास आउट में बताऊँगा। देखिए सेमेस्टर में आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ को थोड़ा बढ़िया, जैसे ट्रांसफार्मर मशीन नेटवर्क ये सब जो बेसिक चीज़ है उसको एकदम आपको गहराई से समझना है। एक ही टाइम होता है जिसमें आप पूरा रिसर्च के साथ पढ़ सकते हो, वो होता है सेमेस्टर। उसके बाद आपको रिसर्च करने का मौका नहीं मिलेगा ट्रांसफार्मर को, मतलब पूरा रिसर्च के साथ देखने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, हाँ ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, हाँ इसको याद कर लेते हैं, हाँ थोड़ा सा समझ लिए, हाँ इस ढंग से याद रहेगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ आपको जब दिमाग आएगा कि आखिर इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है तो क्यों करता है 90 डिग्री लैग, यहाँ आप सोचिएगा। लेकिन जब आप सेमेस्टर पास कर गए, हाँ करंट लैग करता है इंडक्टिव सर्किट में, हाँ करता है, क्यों करता है कोई मतलब नहीं। यहाँ सेमेस्टर में आप पूरा रिसर्च के साथ पढ़िएगा, और यही रिसर्च जानते हैं आपको कहाँ फ़ायदा करेगा, SSC JEE का मेंस लिखने में। अभी मैं ड्यूटी के दौरान मैं तैयारी किया, 8 घंटे का ड्यूटी करता था, खुद से खाना प्रिपेयर करता था, सारा काम अपना खुद से करता था, जैसे आप हैं, आप लोग जितना काम कर रहे हैं ना उसके अलावा मैं 8 घंटे का ड्यूटी करता था। अब सोच लीजिए कितना कम समय हुआ। उसके दौरान भी मैंने SSC JEE का प्रिपरेशन किया, मात्र 2 मार्क्स रह गया, आप क्या कहिएगा, वो थोड़ा मेहनत कम गया होगा शायद, तो बस 2 मार्क्स से कम है, नहीं तो वो भी हो जाता। उसमें क्या मेरा काम दिया, वही सेमेस्टर वाला चीज़, ठीक है। सेमेस्टर में क्या होता है कि आप कंसेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं कोई भी चीज़ को, रिसर्च करके, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा यही एडवाइस है, जितना गहराई में जाके सेमेस्टर में पढ़िए। और इब्राहिम सर तो हैं, जितना सवाल पूछ सकते हैं, इब्राहिम सर कभी बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है। आप देख ये खास बात, और कोई टीचर है इधर उधर घुमा देंगे या फिर नहीं बताएंगे या कुछ करेंगे, ये इब्राहिम सर में ये खास बात है। आप एक चीज़ को 10 बार समझिए या कितना बार भी पूछिए, खुद इब्राहिम सर में भी ये खूबी है कि उनको जब तक ये नहीं सेटिस्फैक्शन हो जाता कि सामने वाला समझ गया, वो 2-3 बार रिपीट कर ही देते हैं। आप लोग देखें ही तो बहुत आप लोग सौभाग्यशाली हैं, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इब्राहिम सर से पढ़ने का मौका मिला है। तो आप लोग को भी मिला है, मिला ही है, और आप लोग को अभी मिला हुआ तो पढ़िए, बहुत अच्छे डेडिकेटेड एक होता है टीचर उस कैटेगरी के टीचर में, ठीक है। मतलब आपको हर मोड़ पर मदद करेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है। तो आपको पढ़ना सेमेस्टर में तो मैंने ये बता दिया ये करना। इसके अलावा आप सेमेस्टर में क्या कीजिए, डेली टाइम निकाल के मैथ और रीजनिंग तो एकदम कम्प्लीट ही रखिए, होगा ही कम्प्लीट मैथ रीजनिंग। आप एंट्रेंस दे के आए होंगे तो मान के चलते हैं कि मैथ रीजनिंग कम्प्लीट होता है। आप क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक पर सेट मारते रहिए, कोई भी हो, चाहे सेमेस्टर में रहे। आप लोग जैसे ही 5th सेमेस्टर में आ गए ना, एक मिनट, 5th सेमेस्टर में आ गए, टेक्स्ट बुक का सेट कर लीजिए मॉक, उस पर टेस्ट लगाइए, ठीक है, ये सेमेस्टर के लिए हम बता रहे हैं। और क्या कीजिए कि नॉन टेक्निकल 5th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़िए, कम ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। नॉन टेक्निकल में मैथ और रीजनिंग कम्प्लीट रखना, ये सब का बारे में हम बात नहीं कर रहे। नॉन टेक्निकल कहने का मतलब सीधे होता है जीके GS,
मैथ रीजनिंग ये मान के चलते कि आपका कंप्लीट है, ठीक है। मैथ रीजनिंग में क्या है जी, ये इसका माता इसका बहन है तो बताइए इससे क्या रिलेशन है, ये सब भी पढ़ने की जरूरत पड़ने लगा तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि डिप्लोमा के इंट्रेंस में आप खिड़की से आए इंट्रेंस दे के नहीं आए, यही पता चलेगा ना। नहीं अगर मैथ रीजनिंग नहीं आता है तो ये सब तो आना ही चाहिए। और रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक भी नंबर कम नहीं कीजिए एग्ज़ाम में, जब भी जाइए। जैसे जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया रीजनिंग 20 में 20 सही रहता है, ठीक है, ऐसा लाना है नंबर, एक भी नंबर नहीं कमना चाहिए। एक नंबर अगर आप वहाँ लॉस कर दिए तो गया, ठीक है। इस तरह से आपको मैथ रीजनिंग मजबूत रहना चाहिए। हाँ रिवाइज कीजिए बीच बीच में, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आदमी तो भूलता ही है लेकिन रिवाइज कर लीजिए। ये मैथ रीजनिंग की कहानी। अब बताते जीके कैसे पढ़ना, जीके आप लोग को लूसेंट से पढ़ना, आप बताते कैसे लूसेंट से पढ़ना। जैसे देखिए जीके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जीके में क्या क्या बहुत सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, जीएस है ना, इतना सारा सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री। और एक सबसे महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस जीए, ठीक है, करंट अफेयर जिसको कहा जाता है। अब इन सबको कैसे कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। पहले करंट अफेयर का बात करते हैं। आप लोग अभी करंट अफेयर ना भी पढ़िए चलेगा सेमेस्टर में, जैसे ही सेमेस्टर से पास होइए तो पढ़िएगा। अभी इन लोग के लिए बताते हैं, ठीक है। सेमेस्टर में आपको क्या क्या करना बता दिए, कोई भी चीज़ को गहराई से पढ़ना और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो आपको सिलेबस से एकदम प्रॉपर ढंग से किताब पढ़ने का आदत डालना, ठीक है। किताब को एकदम मित्र बना लेना, एक दिन पढ़िएगा नहीं मन लग रहा, दो दिन पढ़िएगा नहीं मन लग रहा, लेकिन धीरे धीरे एकदम फीलिंग आएगा ना जब, तब आपको एकदम समझ जाइए। जैसे ही पढ़ें और गूज बम्स आपको मिला शरीर में, हाँ ये वाला लाइन पढ़ने से नहीं होता है, एक शरीर में गूज बम्स आता है एकदम, तो उस तरह का जब आपको जिस दिन मिलने लगेगा उस दिन आपको किताब से एकदम प्रेम हो जाए, उस दिन हम खूब किताब पढ़िए, ठीक है। किताब टेक्निकल का है, मतलब समझिए कि बेस है बुक, तभी आप दूसरा को दूसरा से आगे निकल सकते हैं, दूसरा से अलग पहचान बना सकते हैं, ठीक है। ये सब सेमेस्टर में आप लोग आदत डालिए। अब इन लोग के लिए बताते हैं जो सेमेस्टर में नहीं है। पहले करंट अफेयर कैसे पढ़ना, करंट अफेयर्स कभी भी डेली नहीं पढ़िए, करंट अफेयर्स कभी भी डेली नहीं पढ़िए, ये टाइम का वेस्टिंग है, ठीक है। करंट अफेयर डेली पढ़ना टाइम का वेस्टिंग है। आपको क्या पढ़ना करना है, आपके मेहनत करना ही नहीं है, कोई बुक खरीदना ही नहीं है। यूट्यूब में इतना लोग मेहनत करने वाला है ना, जो टॉप टॉप करंट अफेयर आपके लिए पहले ही से छाट के रखे हुए हैं, बस आपको वीडियो देख लेना। आपको क्या करना, जिस ईयर का आप एग्ज़ाम दे रहे, पहले तो मंथली प्रिपेयर करना। अगर आप तैयारी में हैं तो मंथली करंट अफेयर कीजिए, कहाँ से कीजिए बताते हैं, मंथली कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम आता है, जैसे SSC का एग्ज़ाम आ गया या और भी कोई किसी चीज़ का एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर आ रहा है, तो एक साल का करंट अफेयर कीजिए। आप बोलिएगा एक साल का कैसे करें, पहली बात तो आप लोग मंथली किए हुए हैं तो उसको प्रिपेयर करना बहुत आसान है, क्योंकि रिवाइज सिर्फ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मंथली को एक दो बार देखिए, कोई इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत कम ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, ठीक है। तो मंथली तो करेगा तो उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं कर पाए तो यूट्यूब पर बना बनाया हुआ मटेरियल रखा हुआ, आपको इतना ऐसा ऐसा लोग है कि अपना पॉपुलरिटी के लिए सब मेहनत करके वो आपको दे दिए हैं, बस आपको देखना है, समझ रहे हैं। आपको कोई मेहनत करना ही नहीं, जाइए टॉप करंट अफेयर बनिए, देख लीजिए एक साल का जरूर देख के आइए। जब से फॉर्म भराया है जब से करंट अफेयर आप देख लीजिए, एक घंटा का वीडियो रहेगा टॉप करंट अफेयर एक साल का, कोई भी देख लीजिए सब ठीक ही बताता है मिला जुला। एक ईयर का कोई भी देख लीजिए, ऐसे अभी उत्कर्ष क्लासेस एक है गौरव सर का, तो उससे भी देख सकते हैं, तो वही वाला देखिएगा ना तो ठीक रहता है। मतलब मेहनत तो कर ही दिए, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। आपको मतलब छाटना नहीं, आप बुक मैगजीन लेने जाइएगा, अब इतना मोटा बुक है, आपको टेक्निकल लोग हैं, थोड़ी PCS का एग्ज़ाम निकालना है जो उतना पढ़ना है, वहाँ टॉप करंट अफेयर एक ईयर तुरंत एक वीडियो देखिए। अगर 10 करंट अफेयर आ रहा है तो 6 को लड़के बहुत है, समझ रहे हैं, 10 को किसी से नहीं बनता, ठीक है, तो 6 ही आपको चाहिए, उतना हो जाता। तो इस तरह से करंट अफेयर पढ़ना, मंथली पढ़िए ईयरली पढ़िए, कभी भी डेली पढ़ने से टाइम वेस्ट कभी ना कीजिए, ठीक है। ये तो गया करंट अफेयर, इसमें कोई दिक्कत गौरव सर से पढ़िए, फिर और एक टीचर राहुल नाम के टीचर है, वो ईयरली मंथली बनाते हैं जलजला करके, बना हुआ है
पीडीएफ नहीं टाइम है, क्या कीजिए एक बार वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ देता है सब चीज़ फैसिलिटी, आपको कुछ करने नहीं है, रिवीजन के लिए आपको लिखना भी नहीं है, पीडीएफ है उसका लिंक में तुरंत डाउनलोड कीजिए, जब रिवीजन करना है बैठे हुए ट्रेन पर जा रहे हैं ट्रेवल कर रहे हैं रिवीजन कर लीजिए, कुछ नहीं है, जैसे मोबाइल देखते हैं फेसबुक देखते हैं ना जी, मतलब कीजिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया से दूर रहिए प्रिपरेशन के दौरान, सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है जो सोशल मीडिया से दूर हो गया। अब मैंने फेसबुक अब 2 महीना पहले इंस्टॉल किया, फेसबुक मैं नहीं कहता था, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आप रखिए, जैसे व्हाट्सअप थोड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आते रहता है या टेलीग्राम, उसमें भी सिलेक्टेड ही रहिए, और कोशिश कीजिए कि मोबाइल के बिना आप कितना देर रह सकते हैं, ठीक है, ये कोशिश कीजिए, मोबाइल रख दीजिए, उसके बिना आप मोबाइल छोड़ के आप कितना देर पढ़ सकते हैं, कितना देर आप 2 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं कि नहीं, ऐसा हैबिट डालिए बुक से, मतलब बिना मोबाइल से, बहुत लोग का आदत रहता है, जैसे मेरा भी आदत था, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके छोड़ाइए उसको, जिस दिन आप इससे थोड़ा दूर होने लगेगा, क्योंकि एक बार हाथ में फेसबुक खुल गया तो वो जब तक अंतिम स्लाइड नहीं आ गया चलते ही रहता है, ठीक है, यूट्यूब खुल गया शॉर्ट्स चलते ही रहता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिए। जब मोबाइल से ये सबसे बड़ा परीक्षा जानते क्या है नौकरी में, यही आपका सबसे बड़ा परीक्षा मोबाइल से दूर, इससे दूर हो जाइए तो ये सबसे नज़दीक हो जाइए, ठीक है, और ऐसा लोग से जो दम दूर रहिए जो बोलता है जॉब निकल ही नहीं रहा, फलना हो ही नहीं रहा, सीनियर लोग जो आपके होंगे ना, कोई कोई अगर सीनियर होंगे है ये फॉर्म नहीं भरेंगे ऐसे होगा, इनमें कम सैलरी है बढ़िया नहीं है, उस सबके बाद सूर्य निकाल दीजिए, एकदम नहीं उन लोग के फेरा में आइए, आज प्राइवेट हो जाएगा कल ये हो जाएगा, बहुत अभी आप लोग को शायद नहीं मिला होगा कोई कोई सीनियर, ऐसे ऐसे सीनियर मिलते हैं कि आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है या और सब लोग के साथ हो चुका है, तो अभी जब भी आपको भविष्य में मिले खाली सुनिए निकालिए, करिए अपना ही, पूछिए 10 लोग से, ठीक है, किस तरह से करना। अब मैंने स्ट्रेटजी बता दिया, तो ऐसा नहीं कि आप लोग इसी को स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जानते हैं क्या होता है, जो आप खुद जानते हैं, हम जानते हैं वो नहीं है बेस्ट स्ट्रेटजी, जो आप जानते हैं कि आपको क्या करने से आपको नौकरी होगा, हम नहीं जानते हैं, सब जानते हैं अपने आप में, सब जान रहा है कि हम ये कर लेंगे तो मेरा जॉब हो जाएगा, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होता है ऑन स्ट्रेटजी, ठीक है, किसी के द्वारा बताया हुआ नहीं, लेकिन खैर सुनिए सबका, उसमें से एक एक चीज़ निकालिए, हाँ ये वाला चीज़ हमको ठीक लगा, इसको अपना स्ट्रेटजी में शामिल कीजिए, डेली कभी मेरे अकॉर्डिंग डेली कभी नहीं पढ़िएगा करंट अफेयर, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं, हाँ जीके जीएस ज़रूर पढ़िए, ये कैसे पढ़िएगा, लूसेंट बुक्स है, अब बहुत सारे लोग लूसेंट में तो बहुत ज़्यादा कैसे पढ़े क्या, उसमें विविध आपको सब पढ़ना, मतलब एकदम याद कर जाइए, अगर याद नहीं होता है तो कैसे कीजिए, जैसे अजंता की गुफाएं कहाँ हैं हमको पता नहीं था, मतलब 1-1.5 साल पहले पूछते थे हमको, कुछ जीके हम पढ़वे नहीं करते थे, लेकिन कैसे याद रखें, तो कैसे याद रखे तो हम क्या किए, हमको उतना याद नहीं रहता था, बहुत जल्दी मैं भूलता हूँ, तो क्या किए कि अजंता की गुफा थोड़ा रिसर्च कर ली, तो बार बार पूछ रहा अजंता की गुफाएँ विविध वाला चीज़ होता है, वो सब तो आपको याद रखना पड़ेगा, एलोरा का गुफा, अजंता की गुफा, यदि का क्या 50 के नोट के पीछे कौन सा रहता है, हम्पी कहाँ स्थित है, हम्पी रहता है ना कहाँ स्थित है, रानी की बाप कहाँ स्थित है, तो इसके बारे में कैसे याद होगा, ये सब ज़्यादा हाईलाइट है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए ना, एक बार इंटरनेट पर सर्च कीजिए रानी की बाप, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए डिटेल में 5-6 लाइन, रानी की बाप एक महल है कोलकाता में स्थित है, ऐसा इसका हिस्ट्री है, फिर आप नहीं भूलिए, अब आपसे कोई पूछ देगा रानी की बाप कहाँ है, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा रानी के बाप वहाँ है कोलकाता में था, ऐसा है, मतलब याद करने का तरीका बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। अब कभी कभी जानते हैं जैसे जैसे एक होता है सूर्य मंदिर कहाँ है, अच्छा कंबोडिया में क्या है, अंकोर वाट का मंदिर, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया, सब जानता है। अब एक एग्जाम में आ गया अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, अब ऑप्शन देखिए, दक्षिण कंबोडिया, उत्तर कंबोडिया, पूर्वी कंबोडिया, अभी कहीं किसको पता रहेगा, इसको पता रहेगा जो बार बार भूलता है, अब भूलने के लिए वो क्या करता है, भूलने का फायदा है ये, भूलने से याद करने के लिए वो क्या करेगा, इंटरनेट पर सर्च करेगा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेगा, ये विकिपीडिया पर लिखा आएगा अंकोर वाट इज सिचुएटेड इन नॉर्थ कंबोडिया लिखा रहता है, ठीक है इस तरह से लिखा है, तब वो एक नंबर आगे बढ़ गया। ये सब जिक्के याद करने का तरीका है जो हम खुद बनाए हैं, ठीक है, जो आप खुद डेवलप कर सकते हैं कुछ कुछ तरीका,
अब और बताते हैं, ये सब तो हो गया विविध याद करने का तरीका। अब जैसे हिस्ट्री भी आपको कंप्लीट रहना चाहिए, अब कैसे हिस्ट्री पढ़ें कोई समझ में नहीं आता, कभी पढ़ रहे हैं बाबर तो बीच में आजम खां का पता कहाँ से टपक गया, होता है ना, कभी पढ़ते रहिएगा चंगेज, मान लीजिए कि तुगलक वंश पढ़ते रहिए, बाबर पढ़ते रहिए, बीच में आ जाएगा चंगेज खां। ये बहुत बीच में आने वाला जो सिस्टम है ये कन्फ्यूज कर देता है। अभी आप एक लैब में बीच में आ गया उधर से, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, रीजनल जो आपके टीचर यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, रीजनल टीचर मतलब आप बिहार से हैं तो बिहार वाले कोई टीचर, जैसे एक एडिटेरिया करके चैनल, ठीक है, प्रवीण सर वो अभी बीपीएससी में के थ्रू हैं, कुछ लगता है डीएसपी हैं शायद या पी सर्किल ऑफिसर, नहीं नहीं प्रवीण सर नाम है, एडिटेरिया एक चैनल है। अब इसमें हम क्यों इसी को हम बता रहे हैं आपको, हम बताते हैं क्या कीजिए। जैसे हिस्ट्री आपको पढ़ना है, हिस्ट्री का 30 वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री का 30 वीडियो पढ़ा हुआ, आपको करना क्या, सिंपल से वीडियो देखिए, दो वीडियो देखिए लूसेंट पढ़िए, फिर दो वीडियो देखिए लूसेंट पढ़िए, वीडियो देख के लूसेंट पढ़िए, क्योंकि ये जो पढ़ाता है ना उसी ओरिएंटेशन में होता है, लूसेंट के ओरिएंटेशन में। रीजनल टीचर से पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है, अगर हम यहाँ पर खड़ा हैं आपका बात सब बोल रहे हैं, एक दिल्ली वाला आगे खड़ा बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आया, आपको मज़े नहीं आएगा कि यार क्या हो रहा, हमको मैं बोलता ये बोलता फलना बोलता, वहाँ पर फीलिंग ही नहीं आएगा, नहीं जगेगा, ठीक है। तो रीजनल टीचर से पढ़ने का प्रयास कीजिए, पढ़िए आप इनसे पढ़िए, दो तीन वीडियो देखिए फिर पढ़िए, मतलब टारगेट बना लीजिए 3-4 दिन में आपको ख़त्म कर देना। और आप पढ़ लीजिए बुक लूसेंट का इस प्रकार से, किस प्रकार से पढ़ना, इनका सारा चीज़ बना हुआ है, ठीक है, मतलब हिस्ट्री का भी अलग है तीनों हिस्ट्री, और ये आपका पॉलिटी का भी अलग बना हुआ है, सबका अलग बना हुआ, उसको देखिए एक बार, हिस्ट्री का बुक पढ़िए, नहीं समझ में आया दो बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। और टाइम का भी मैं फ़ायदा बताऊँगा अभी, कि लेट से नौकरी लगने से क्या फ़ायदा है वो भी बताते हैं। तो ऐसे पढ़ना है आपको जीक के और जीएस भी, तो बोलिए जीक के जीएस में कोई प्रॉब्लम है पढ़ने में, इसी तरह से पढ़िएगा मेरे अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत दिन तक रहेगा। और जिस एग्ज़ाम में जीक के जीएस आता है उसमें ज़्यादा वैल्यू रहता है, जैसे आपका एसएससी में 50 जीक के आता है, यूपीपीएससी में भी 20 जीक के आता है, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा करेगा, इसी तरह से पढ़िए। हाँ सारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया नॉन टेक्निकल, करंट अफेयर ये, और मैथ, और मैथ के लिए तो मैं बताऊंगा नहीं, मैथ और रीजनिंग आप खुद से कीजिए, ठीक है, इतना हो गया नॉन टेक्निकल बारे में। अब बोलिए नॉन टेक्निकल में कोई दिक्कत, कहाँ से क्या पढ़ेंगे या कुछ, मैंने बता दिया सारा चीज़, और ये आपको मेहनत बहुत लगेगा, ठीक है। साइंस भी है, साइंस आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई उसमें समझना है साइंस में बताइए, फिजिक्स समझने लगे तो क्या डिप्लोमा का स्टूडेंट है, अब चाल क्या है, अब यही पढ़ना रह गया है ज़िंदगी में। यस, अब उसका ये याद रखना होगा कि जैसे एक्सरे का कौन इन्वेंशन किए, ये सब विविध में आ जाता, जितना भी ये है क्या बोलते हैं लूसेंट का है, उसके जो भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री ख़त्म होता है उसके बाद उसका विविध आता है, जैसे हिस्ट्री ख़त्म हो उसे विविध है, विविध याद कीजिए आप लोग जो सेमेस्टर में, विविध पर अभी आप लोग फोकस कीजिए, और विविध तो आप लोग याद ही रखिए, एक दो क्वेश्चन हम टपकने हैं उससे, ठीक है। और बाकी आप क्या कीजिए कि जो एग्ज़ाम होते रहता है अभी बताएंगे, पहले टेक्निकल के बारे में बताते हैं। नॉन टेक्निकल में कोई दिक्कत नहीं ना है, बार बार पढ़िए, भूलना है स्वभाव ही है, उसको 2-3 बार पढ़िए, यही तो खूबी है। बताते कैसे रिवाइज करना, देखिए एक बार बताते हैं, अभी धीरे धीरे बताते हैं, जब टेक्निकल ख़त्म कर देंगे इसके बाद में रिवीजन का बात आते हैं, टेक्निकल का रिवाइज कैसे करेंगे, नॉन टेक्निकल का कैसे करें। देखिए टेक्निकल कैसे पढ़ना, पहले तो आप लोग को बता दिए, सेमेस्टर वाले लोग के लिए रिसर्च करके पढ़ना, हम गहराई से समझ के, नहीं समझ में आता देखिए अभी भी हमसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और सबका रिप्लाई हम देते हैं, हो सकता है आधा घंटा डिले हो जाए, सबका सवाल सॉल्व करके भेजते हैं, सबको बताते भी हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं कि देख के इग्नोर करते हैं। तो आप लोग जो नए नंबर ले लीजिएगा इब्राहिम सर से, आप मैसेज कीजिए किसी भी टॉपिक, ऐसे तो इब्राहिम सर है ही, मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं हूँ, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते कोई भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, ऑलराउंडर मतलब कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क मशीन कुछ में, ठीक है। अब बात रह गया
आपका सेमेस्टर को मैं बताऊंगा जो आप लोग है कैसे पढ़िएगा। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, इतना दिन कर लिए ना, शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाए हैं ना, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, जो पास आउट हो गए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना, जैसे ट्रांसफार्मर पढ़े, अभी ट्रांसफार्मर का कॉपी कितना, पूरा एक कॉपी होगा है ना, पूरा फिगर बनाए, ये बनाए, उसमें इतना नहीं बनाना, सिर्फ उसमें लिखिए इम्पोर्टेंट, हाँ ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है सिलिकॉन स्टील का बना रहा था, और कार्बन इसमें इतना परसेंट मिलाते हैं, इतना परसेंट मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं वो भी थोड़ा सा लिख दीजिए। मतलब ट्रांसफार्मर का शॉर्ट नोट्स 4 पेज से ज़्यादा में नहीं रहना चाहिए, 4 से 5 पेज आगे पीछे मिला के, समझ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा में नहीं रहना चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होना चाहिए। तो हम शॉर्ट नोट्स, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे या भी बना लेंगे, इस तरह से बनाना। अब कैसे बनाना, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो आप कोई वीडियो यूट्यूब पर देखिए, बहुत सारा फ्री में इतना चीज़ पड़ा हुआ है ना, आपको मेहनत करने नहीं, सब मेहनत करके लिखा हुआ है, इब्राहिम सर का वीडियो है और बहुत सारे लोग टीचर लोग हैं, ठीक है, उनका वीडियो एकदम पूरा बना हुआ सीरीज में, देखिए बनाते जाइए शॉर्ट नोट्स। आपको मेहनत क्या करना है, एक बार देखना है, आप लिखते जाना, बात करता हूँ, और जब भी एग्जाम हो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस हो गया। अब क्या करना है टेक्निकल में, ये तो हो गया शॉर्ट नोट्स का बात, आपको ऑब्जेक्टिव बुक बहुत फोकस करना है, जेवी गुप्ता टॉप पर। अब बोलेगा जेवी गुप्ता बहुत ज़्यादा मोटा, उसमें सब नहीं पढ़ना, जो आपका डिप्लोमा का सिलेबस है वही पढ़ना, अब उसमें कम्युनिकेशन पढ़ना चलना बहुत सारा चीज़ है, वो सब नहीं पढ़ना, जैसे उसमें क्या पढ़ना, मशीन आपको एक एक चीज़ पढ़ना, पावर सिस्टम सब पढ़ना, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। कोई कोई जो 4-5 लाइन का क्वेश्चन रहता है, सर्किट बना हुआ रहता है, वो सब हम लोग के लिए नहीं रहता, समझ रहे हैं ना, वो सब किसके लिए रहता है, जो गेट वही सब देखते हैं, तो उसको देखना भी नहीं है, लोग आगे बढ़ जाना, ठीक है, वो सबको देखना नहीं है, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है समझ जाइए आपके लायक नहीं है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है ना, क्यों बता रहे हैं, जे बी गुप्ता आपको एकदम कंप्लीट रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंप्लीट नहीं है और उससे अगर क्वेश्चन आ जाता है उसी टाइप का, तो क्या होता है कि आगे लोग बढ़ जाते हैं, मतलब ये सबको आता है, आप सोच के सोचिए 80% क्वेश्चन सबको आता है, आप 80% में ही गलत कर दीजिए तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, बात समझ रहे हैं, एग्जाम में ऐसा ही होता है, 80% सबको आता है, लेकिन आप 80% में ही नहीं आइएगा तब तो सिलेक्शन दूरी की बात है। तो आपको इस तरह से जे वी गुप्ता कंप्लीट रहना चाहिए ना कि एकदम सब आपको क्वेश्चन याद रहे। अब कैसे पढ़ना है जे वी गुप्ता वो बताते हैं, इसी तरह से आप पढ़िएगा जैसे बता रहे हैं, जैसे मशीन का चैप्टर है, डीसी मशीन मान के चलते हैं, पढ़ना स्टार्ट किए तो देखिएगा ना, जे वी गुप्ता डीसी मशीन खोलिएगा तो उसके पहले थ्योरी रहता है, समझे, उस थ्योरी को पढ़िए, उस थ्योरी को पहले शुरू से अंतिम तक पढ़िए। अब पढ़ने का आदत कब आएगा, जब आप मोबाइल से दूर रहिएगा, फीलिंग आएगा, हम एक एक बार एकदम फीलिंग के साथ पढ़िए, समझ समझ, मान लेते एक बार पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर वो पढ़ने के बाद आप तुरंत ऑब्जेक्टिव लगाइए, समझ गए ना, उसमें आपको 2-3 दिन टाइम लग जाएगा, एक दिन में आप 2-3 दिन में आपका डीसी मशीन कंप्लीट। कैसे पढ़ना है बताए ना, पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, उसमें अंडरलाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट वाला। अब क्या कीजिए, डीसी मशीन पढ़ लिए, उसी प्रकार से एसी मशीन पढ़ लिए, मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, जनरेटर, बाकी सब चीज़ पढ़ लिए, वो आप लोग 5 सेमेस्टर में जाने के बाद ये काम स्टार्ट कर दीजिएगा। मेहनत जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना जल्दी लगेगा, ठीक है, जॉब तो 5th-6th सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम कब पढ़ते हैं, अरे मेरा छोटा, हम जब तो पढ़वे नहीं किए, अभी कुछ दिन पहले पढ़, तो वही तो देखिए, अब जो हम गलती किए हैं वही गलती आप कीजिएगा तो आपको फिर से 1 साल टाइम लगेगा। दूसरे अब वो ज़माना नहीं कि गलती करके सीखना, दूसरे गलती से सीखिए तब ना टाइम बचेगा। अब जो हम गलती किए वो भी आप भी गलती कर रहे हैं, उसे सीख नहीं रहे, तो आप गलती कीजिए फिर आप वहीं आइएगा, तो दूसरे गलती से सीख जाइए। तो ये है कि डीसी मशीन इस तरह से पढ़ना, उसी प्रकार से एसी मशीन पढ़ना, और ऐसा पढ़िए ना ऑब्जेक्टिव एकदम याद रहे, एकदम दिमाग से कि हाँ ये आ जाएगा तो ये मान लेंगे, हाँ 5% होता है ये लॉस ऑब्जेक्टिव पढ़ने, तो 5% होता है कहीं आ जाए तो मान देंगे, ब्रश कार्बन कराता तो कार्बन कराता है, इस दिमाग में तो आ जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा करंट रेटिंग के लिए कॉपर ब्रश यूज करते तो कॉपर यूज करते हैं, इस तरह का एकदम ध्यान में रह जाना चाहिए। वो कैसे आएगा, पढ़ने से। अभी डीसी मशीन इसी तरह से सब थ्योरी पढ़िएगा, एसी मशीन, नेटवर्क का पढ़िएगा, सब पढ़ लिए। अब एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है,
एक टाइम पढ़ें, पहले आप पहला बार पढ़ लिए, सारा ख़त्म कर लिए जे बी गुप्ता ऑब्जेक्टिव के साथ, और जो ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है उसमें स्टार लगा के छोड़ दीजिए। क्यों स्टार लगाने के लिए बोल रहे हैं? उसको दो तीन बार पढ़िए उसी दिन, जिस दिन ऑब्जेक्टिव पढ़ें उसी दिन फिर से वो ऑब्जेक्टिव पढ़िए जिसमें आप अटके थे। सबसे बड़ा चीज़ है ईमानदारी, समझे, पढ़ते वक्त। इनके नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, ऊपर ये कोई नहीं देख रहा आपको, आप खुद देख रहे हैं, ठीक है, पीछे ऑप्शन देख रहे हैं, मार रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, चोरी करके कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा अपने आप के प्रति ईमानदार रहना, ठीक है, एक तो मोबाइल से दूर रहना, दूसरा ईमानदार रहना। जितना ये दोनों चीज़ का आप लोग अपना रहिएगा तैयारी में, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। इस तरह से आप पढ़िए, पहला बार जब आप डीसी मशीन का थ्योरी पढ़िएगा तो बहुत टाइम लगेगा, दूसरा बार पढ़िएगा तो कम टाइम लगेगा, तीसरा बार में बहुत कम टाइम लगेगा, जब चौथा बार पढ़िएगा तो पूरा दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद ये, इसके बाद ये, थ्योरी पढ़ने का बात कर रहे हैं। और एग्ज़ाम से पहले, जैसे ही आपको एग्ज़ाम है, मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम या किसी चीज़ का एग्ज़ाम, पास ग्रेड का एग्ज़ाम से पहले क्या कीजिए, जितना आप अंडरलाइन किए थ्योरी पढ़े हैं ना, आठ दिन में टारगेट बनाइए, एकदम खाना पीना छोड़ के, एकदम बढ़िया, एकदम मेहनत छोड़ना नहीं है, हेल्थ इम्पोर्टेंट, मतलब कह रहे हैं इस तरह से लाइए फीलिंग, एकदम शुरू से अंतिम में पूरा थ्योरी पढ़ जाइए। किसका? जे बी गुप्ता का। कम बात नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा, अब ये दस दिन में कब पढ़ पाइएगा? जब आपको प्रैक्टिस रहेगा। इन की वो पहला वाला काम आप वहीं पर स्टार्ट किए, पहला बार पढ़ना उसी समय स्टार्ट किए, तो दस दिन में हो पाएगा? दो तीन बार आप पहले पढ़े हुए रहिए तभी हो पाएगा। एग्ज़ाम से पहले एकदम पूरा शुरू से अंतिम रिवीजन करके जाइए। रिवीजन करने का यही तरीका है एग्ज़ाम से पहले। नहीं बोलता है कि एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कैसे करें, क्या करें, यही तरीका। इससे आपको हम बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर लगेगा ये सब क्या जानता है जितना हम जानते हैं। समझ रहे हैं बात? एकदम पूरा, कोई छोटा बात नहीं है पढ़ना, बहुत आपको टाइम लगेगा। ये आएगा कब? जब आप दो तीन बार पढ़े हुए रहेगा, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है। और जो इस ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है वो थोड़ा देख लीजिए, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पर फोकस कीजिए, ऐसा ही पढ़िए जैसे बताएं। जे वी गुप्ता का जो थ्योरी में लिखा हो, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मोर देन सफिशियंट, ठीक है। फिर यूटिलाइजेशन पर फोकस कीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। उतना पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा, फिर जे वी गुप्ता का आगे थ्योरी पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोर देन सफिशियंट हम आपको पढ़ाएँ यूटिलाइजेशन, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है जे बी गुप्ता, आप समझ गए जे बी गुप्ता कैसे पढ़ना है। आर के जे बी गुप्ता जब पढ़ लिए तो आर के राजपूत कुछ है जी? बोलिए, कुछ नहीं है। इसको जानते हैं आर के राजपूत का टारगेट क्या रखते थे? आठ दिन में पूरा आर के राजपूत ख़त्म करना, सात दिन में, पाँच दिन में, फिर चार दिन हो गया। बात समझ रहे हैं? पहले सात दिन से स्टार्ट किए, फिर छः दिन हो गया। सबसे बड़ा चीज़ ख़त्म करने के लिए तो कोई भी कर देता है, वो तो ईमानदारी से ख़त्म करना, यानी ख़त्म करना मतलब पढ़े सब ऑप्शन में टिक मारे हुए, हाँ इसका बी है सी है, ऐसे नहीं। किताब को गंदा नहीं करना, ठीक सामने नहीं मारना है, खुद से अंदाज़ा लगाना ये होगा, उसके बाद ऑप्शन देखना, यानी कि ऑप्शन देख के अंदाज़ा लगाना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन बाद में देखना, ईमानदार रहना, ईमानदार रहना अपने प्रति सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये ध्यान रखिए। सिलेक्शन तो होना, हम पहले आते के साथ बोलें, ऐसा कोर्स आप कर लें कि आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन। हो सकता है थोड़ा देर से हो, थोड़ा देर का भी फायदा बताते हैं। ये आर के राजपूत हो गया, जे वी गुप्ता कैसे पढ़ना, मन है तभी के मैं तो पढ़ लीजिए, नहीं माने तब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इतना, ठीक है। और थ्योरी पर आप फोकस रखिए, थ्योरी आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब ट्रांसफार्मर ऐसा थ्योरी आना चाहिए कि आप आँख बंद करके शुरू से अंतिम पूरा ट्रांसफार्मर बोल दें मन में, हाँ पहले ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, पहले कोर है, फिर बाइंडिंग ऐसे होता है, इतने प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे, फिर फेजर डायग्राम होता है, करंट लैग करता है, वोल्टेज यहाँ आएगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, मतलब पूरा याद रहना चाहिए। जैसे हमको अभी पूरा याद है, थ्री फेज में ऐसे होगा, ये इतना टाइप का होता है, यहाँ यूज करते हैं, फलना चिलना ऐसे लॉस निकालते हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी ट्रांसफर रजिस्टर्स करते थे, ऐसे करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी करते थे, कैसे गुणा करते हैं, एकदम एकदम आँख बंद करके पूरा याद रहना चाहिए। इस तरह से आपको क्लियर रहना चाहिए। सेमेस्टर वाले लोग ध्यान, समझ गए ना, इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो ऐसे पढ़ना है, जे बी गुप्ता पढ़ना है, टेक्निकल के लिए हो गया, इतना बहुत सफिशियंट है जी टेक्निकल के लिए। रिवीजन के लिए बता दिया आपको, एग्ज़ाम से पहले कैसे रिवाइज करना है,
ये भी, और शॉर्ट नोट्स को अपडेट करते रहना है, जैसे कैसे ऐप अपडेट मांगते रहता है उसी प्रकार से आपको हमेशा नया नया चीज़ मिलेगा। उसको दो तीन पेज छोड़ ही के बनाइए, ट्रांसफॉर्मर खत्म किए दो तीन पेज छोड़ दीजिए, फिर आगे दूसरे का सब्जेक्ट का बनाइए, इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्योंकि अपडेट करते रहना, अपने आप को अपडेट करते रहना, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्रीवियस ईयर जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है। इस नहीं नहीं अभी जैसे रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ तो उसका जेबी गुप्ता में कहाँ है, हाँ यूथ भी पढ़िए उसमें प्रीवियस ईयर का, यूथ पढ़िए तो प्रीवियस, यूथ पढ़ना मतलब प्रीवियस ईयर पढ़ना, यही बोल रहे कि प्रीवियस ईयर भी आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले इसको ख़त्म कीजिए, टाइम भी ना लगेगा, अरे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं है, आप मजबूत हो जाइएगा। बार बार फेल होने से अच्छा है एकदम एक ही बार एकदम पास हो, बढ़िया से टाइम लगे तो लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बार एक बार जो एग्ज़ाम निकलना स्टार्ट होगा ना, लाइन लग जाएगा, ये बात, एक दिन खाली आपका पूरा घड़ा भर जाए तैयारी होने वाला, ये पूरा भर जाएगा ना इस दिन घड़ा, तो धीरे 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 इसको भरते रहिए, एक चैप्टर दो चैप्टर करके, जिस दिन पूरा घड़ा भरा लाइन लग जाएगा, जो एग्ज़ाम दीजिए ऐसा ही निकल जाए, ये बात आप आज मान लीजिए। आप देखिए आप इस सब को इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रिवीजन का बात, कैसे पढ़ना टेक्निकल, टेक्निकल में कोई दिक्कत, और आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पढ़ना, अपडेट रहना, ऐसा नहीं पढ़ना कि प्रीवियस ईयर ही पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए फॉर्मेलिटी के लिए, एकदम याद रहना चाहिए। 4 बार पढ़िए 5 बार पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेके अलग से उसका पीडीएफ बना लीजिए, जो भी है स्क्रीनशॉट, जिस क्वेश्चन में आप पढ़ के, 100 क्वेश्चन आता है ना जी टेक्निकल एग्ज़ाम में, उसमें आपको 70-80 को तो ऐसा ही आएगा, जो भी एग्ज़ाम होगा 20 को नहीं आएगा, सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए, एक अलग फोल्डर बना लीजिए। अरे मोबाइल का यूटिलाइजेशन कीजिए, गाना सुनने और फेसबुक सिर्फ नहीं, वो सब बाद में कीजिएगा जब जॉब लग जाए, उसके बाद के लिए वो बना हुआ है, समझे। तो पीडीएफ बना लीजिए, फाइल फोल्डर बना लीजिए, हाँ यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर ही है, खोलिए, ट्रेन पर बैठे हैं रिवीजन कर लीजिए, समझ गए। क्यों रिवीजन करने के लिए बोल रहे हैं, जो आप भूलते हैं उसको बार बार पढ़िए, कैसे पढ़िए तो मोबाइल में रहेगा वही बार बार आप उठाते हैं, उसी से आप रिवाइज कर सकते हैं वो सब चीज़। तो यानी कहने का मतलब बदलते जमाने के साथ आपको अपडेट रहना, इन्हें कि पुराने चीज़ पढ़ रहे हैं कभी नहीं होगा नौकरी, वो कब आएगा जब आप नया चीज़ देखिएगा, जो जो क्वेश्चन है आजकल तो इतना चीज़ ना आपको बोल रहे हैं ना, मेहनत आपको करना ही नहीं पड़ेगा, एक बार एग्जाम में डालिए PGCIL 2021 डिप्लोमा ट्रेनिंग क्वेश्चन पेपर पहला ही नंबर में आ जाएगा, सब चीज़ तो बना हुआ है जी, सब आपको मेहनत नहीं करना। पहले क्या होता था कि मोबाइल नहीं है, सब नहीं है, हाँ फ़ोन कर देते, हाँ भाई आप एग्ज़ाम दिए थे ना, भेज दीजिए थोड़ा ये कर दीजिए, अब ऐसा है किसी से मांगने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं बात, सब चीज़ बना हुआ है, ऐसे कीजिए। तो अपडेट रहना है टेक्निकल के लिए, रिवाइज कैसे करके जाना है एग्ज़ाम से पहले वो भी बता दिए, नॉन टेक्निकल कैसे पढ़ना है वो भी बता दिए। इसके अलावा आप डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट कैसे दीजिएगा, कब दीजिएगा, पहले जेबी गुप्ता ख़त्म करने के बाद। मॉक टेस्ट कैसे देना, टेस्ट बुक ऑनलाइन क्यों देना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप 10,000 लड़का में कितना रैंक में एग्जिस्ट करते हैं, जिस पहले आपको 1,000 रैंक आएगा, फिर आपको 2,000 कभी कभी हो सकता है, बहुत डिमोटिवेशन लगेगा, फिर आपको 100 आएगा फिर भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। पहले पहले जब हम टेस्ट देते थे तो मान लिया कि सबसे ज़्यादा SSC JEE में बच्चा रहता है, दीजिएगा तो रैंक आता था 10,000, लगता था नौकरी ना होगा, फिर धीरे धीरे 1,000 रैंक आता था, फिर भी उतना उम्मीद नहीं, फिर 100 आया, 80 आया, 50 आया, अब तो कई बार एक रैंक आया 200 वाला में, कितना बार एक है उतना कहना नहीं है, समझे। इस तरह से अब उसको भी कैसे करना, उसको कैसे करना, आपको जो क्वेश्चन में फंस रहे हैं उसको हम उसमें भी आपको मेहनत नहीं करना, सब दे दिया फैसिलिटी, बुक मार्क करने का ऑप्शन आता है, बुक मार्क कर लीजिए, देखते रहिए मोबाइल, मतलब कुछ करने नहीं है आपको, सब फैसिलिटी दे दिया हमने, मतलब यही जो थोड़ा 150-200 लगेगा वही थोड़ा लगेगा, समझ रहे हैं। तो ये सब आपको करना है, हाँ उसके बाद बताते हैं। ग्रुपिंग इसलिए करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन आता है ग्रुपिंग से, 4-5 लोग अपना ही लोग मिलिएगा ना, थोड़ा कंपटीशन का माहौल क्रिएट होता है ना, तो लगता है कि हाँ ये ज़्यादा नंबर लाया है इसको हराना है। उसके अलावा भी जब अपने से क्वेश्चन जो तैयार करता है, रिसर्च करके लाता है,
मैं सोचता आज तो ये लोग से 10 नंबर से ज़्यादा पार नहीं होने देंगे, उस चक्कर में पूरा रिसर्च करेगा क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो ऐसा मतलब ग्रुपिंग में ऐसा नहीं है कि 50-100 को मिलके ग्रुपिंग कीजिए, वो ग्रुपिंग नहीं होता। 10 को बढ़िया बढ़िया लोग मिलके बस उसको रखिए, थोड़ा स्ट्रिक रहिए, ग्रुपिंग कीजिए, डिस्कस कीजिए, एकदम बहुत अच्छा चलेगा। आप लोग बोल रहे ना 6 महीने ग्रुपिंग कर लीजिएगा ना, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। और ग्रुपिंग में ज़्यादा नॉन टेक्निकल पर फोकस कीजिए, सेट मारिए। नॉन टेक्निकल का जो भी सेट होता है ना, कोई भी सेट रहा है चाहे रेलवे का या कुछ भी, उसको लगाते रहिए, जीके का, ठीक है। और टेक्निकल में भी थोड़ा ध्यान, कम ही ध्यान दीजिए ग्रुपिंग में, टेक्निकल सेल्फ पढ़ने का अब चीज़ है, ठीक है। टेक्निकल का अगर मान लिया जाए आप 40 क्वेश्चन रख रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन जरूर नॉन टेक्निकल का भी रखें, समझ रहे हैं। कहने का मतलब ऐसा है मेरा। तो ये हो गया ग्रुपिंग का बात हो गया, रिवीजन कैसे करना है, टेक्निकल कैसे पढ़ना है, जीके जीएस कैसे पढ़ना है, अपडेट कैसे रहना है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपको मोबाइल से दूर रहना, ईमानदारी, दो सबसे बड़ा फैक्टर, ईमानदार रहना, मोबाइल से दूर रहना। मोटिवेशन तो खुद चल के आए, समझ रहे हैं ना। मोबाइल से आपको दूर रहना ही रहना है, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, आप बोलिए।